हेलो दोस्तों, मेरा नाम करण है और आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक वर्ल्ड व्हीकल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं रिबोट एनएक्स 100 इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। दोस्तों, यह इलेक्ट्रिक स्कूटर बहुत ही जल्द इंडियन मार्केट में देखने को मिलने वाली है और बेसिकली इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में कुछ ऐसे अपडेट दिए गए हैं जो कि काफ़ी खास बनाते हैं। दोस्तों, यह जो कंपनी है बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप कंपनी है और यह 2019 से ही यह अपने काम चालू कर दी थी और बहुत ही ज़्यादा यह फोकस कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक स्कूटर को ए रिवॉर्ड जो एनएक्स इलेक्ट्रिक स्कूटर आने वाली मार्केट में उसमें कुछ न्यू किया जाए और अलग इसमें डिफरेंट देखने को मिलने वाला है। कुछ डिटेल्स जो सामने निकल कर आए हैं उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके पहले भी मैं रिवॉर्ड एनएक्स का जो है तो वीडियो मैंने अपलोड किया है इस पे। दोस्तों, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में बेसिकली काफ़ी ज़्यादा रेंज मिलने वाली है, यानी कि सिंगल चार्ज में कंपनी जो दावा कर रही है तो 280 किलोमीटर का रेंज मिल सकता है और जो टॉप स्पीड होगी वो 90 to 100 होगी, यानी कि 90 किलोमीटर प्रति आवर इसकी जो स्पीड हो सकती है। और इसके साथ यदि रिवॉर्ड एनएक्स 100 में फीचर्स वगैरह की बात की जाए तो इसके जो टर्न इंडिकेटर लाइट्स हैं, इसके साथ फ्रंट व्यू बताया जाए, यदि फ्रंट हेडलैम्प की बात करें या टेल लैम्प की बात करें तो सभी यहाँ पास एलईडी मिलने वाले हैं। इसके साथ प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी मिलने वाला है, तो ऐसा इंडिया में फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा जिसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प दे। अभी मेड इन इंडिया की बात करें तो बेसिकली यह स्कूटर मेड इन इंडिया ही बनाया जा रहा है और इस स्कूटर में लिथियम आयन की बैटरी दी जाती है जो कि 4 बैटरी इसमें होने वाली है और एक बैटरी जो होगी फुल चार्ज होने में 70 किलोमीटर का रेंज देगी। तो लिथियम आयन की जो बैटरी मिलेगी वो 4 से 6 घंटे में फुल चार्ज होने वाली है और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी इस पर रहेगा, यानी फास्ट चार्ज भी किया जा सकेगा। अभी कंपनी ने कुछ ऐसा नहीं बताया कि फास्ट चार्जिंग में कितना टाइम लगने वाला है। और सेफ्टी की बात की जाए तो इसमें काफ़ी अच्छे सेफ्टी फीचर्स मिलने वाले हैं, जैसे कि लॉकिंग सिस्टम जो है, जो कि लॉक यदि स्कूटर करते हैं वो काफ़ी अच्छे और काफ़ी अलग के डिज़ाइन इस पर किया है। जो सॉफ्टवेयर इस पर डाला हुआ है वो काफ़ी अलग है, जैसे कि आपके घर पे 5 मेंबर है तो 5 मेंबर के हिसाब से उस पर लॉक अनलॉक कर सकते हैं अपने अनुसार। और मोबाइल कनेक्टिविटी भी रहेगी, यानी कि आप मोबाइल से देखना चाहते हैं कि आपका स्कूटर कितना चार्ज है, मतलब कि रिवॉर्ड एनएक्स कितना चार्ज है, और इसके साथ उस पर लॉक अनलॉक मोबाइल से ही आप कर पाएंगे। तो काफ़ी अच्छे इसमें फीचर्स वगैरह दिए जाते हैं। एक खास बात यह है कि इस स्कूटर में जो रीजनरेटिंग ब्रेकिंग सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता है, यानी कि अदर स्कूटर के मुकाबले इसमें काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। अभी जो है तो 7 से 10% ही रीजनरेटिंग ब्रेकिंग सिस्टम यूज़ हो रहा था, यानी कि रीजनरेट कर रहा था बैटरी को चार्ज करने में, बट इस स्कूटर में रिवॉर्ड एनएक्स 100 पे 30% यानी कि बैटरी को रीजनरेट करेगा। इसमें जो मोटर दी जाती है वो बेल्ट ड्राइव मोटर दी गई है। और यदि न्यू अपडेट की बात करें जो कि कल अभी ट्वीट किया गया है रिबोट मोटर की तरफ से, इसमें जो है तो सेंसर मिलने वाले हैं, जैसे कि जो साइड स्टैंड होगा उस पे सेंसर दिया जाएगा और यदि आप थैला लिए हो दोनों हाथ पे और जो बूट स्पेस है सीट ओपन नहीं कर सकते तो सेंसर के हेल्प से आप यदि पैर को टच करते हो सेंसर पर लगाते हो तो जो बूट स्पेस है वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर्स इस पर देखने को मिल रहा है। और ये बूट स्पेस के अंदर जो है तो एलईडी दी गई है बेसिकली, और एक काफ़ी अच्छा यहाँ पास से बूट स्पेस भी मिल जाएगा जो कि लॉन्ग स्पेस इस पर देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप इस पर रख सकते हो हेलमेट प्लस इस पर अदर कुछ चीज़ें भी रख पाएंगे। दोस्तों, अब इस स्कूटर के जैसे कि इसमें फीचर्स आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा फीचर्स ऐड किए जा रहे हैं, तो इसका रेंज भी, इसका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। दोस्तों, यदि आपको और भी कुछ इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर सकते हैं।